आपका अपने YouTube चैनल राधा की रसोई में। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आलू के पराठे तो आपने बनाए ही होंगे। आलू के पराठे बनाते समय जो समस्याएँ आती हैं, जैसे कि आलू का बाहर निकलना, आटे का चिपकना, आटे का बेलन में चिपकना, तो आज से आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हम बताएंगे आपको एकदम नए तरीके से आलू के पराठे बनाना। तो देरी किस बात की है, आइए चलिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कुछ उबले हुए आलू। मैंने 6 से 7 आलू उबाल के रख लिए थे और ये मैंने मसाले लिए हैं खड़े, सौंफ, जीरा, खड़ी धनिया, चाट मसाला और गरम मसाला। अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच पिसी हुई धनिया और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और हमने 2 बारीक हरी मिर्च काट ली थी और ये जो मसाले थे इनको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये जो मसाले खड़े हैं, इन खड़े मसालों को मैंने 1 मिनट भूंज लिया था, आप भी 1 मिनट भूंज लें और इनको बारीक कूट लेना है, हल्का सा दरदरा, और इन मसालों को भी हम अपने जो आलू हैं उसमें मिला देंगे। ये देखिए, हमें बारीक नहीं करना है, कुछ इस तरह से होने चाहिए। इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। आप इनको ऐसे ही कूट के डालें। और ये मैंने खूब सारा हरा धनिया काट लिया था। हरा धनिया ढेर सारा लें आप लोग, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम आलूओं को करेंगे अच्छे से मैश। अब हमारे आलू एकदम रेडी हैं पराठे बनाने के लिए। आटा मैंने पहले ही गूंथ के रख लिया था दोस्तों। तो मैंने आपसे पहले ही शेयर किया है कि मैं आपसे 2 प्रकार के आलू पराठे बनाना बता रही हूँ। तो पहला जो तरीका है वो नॉर्मल है, जो आप सब जानते हैं और आप सब बनाते भी हैं, जिसमें थोड़ी परेशानी होती है। देखिए, मैंने इस तरह से लोई बना ली, आलू भर लिया है और अब हम बेलना स्टार्ट करेंगे। बेलते समय ये देखिए कहीं से आलू भी निकल रहा है, मुझे भी थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन मैंने सोचा आप सबसे ज़रूर बताऊंगी, आप सबसे शेयर करूंगी। पराठा मेरा बेल चुका है, ये देखिए उतना क्लीन नहीं आया है। ये समस्या मैं आप सबसे शेयर करने वाली थी कि इस तरह से आलू का पराठा चिपक जाता है, कहीं से निकल आता है। तो जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो आगे आपको बताऊँगी कि आपको ये सारी समस्याएँ नहीं होंगी आलू के पराठे बनाते समय। अब हम इसे अच्छे से तेल में सेक लेंगे। आलू के पराठे सेकते समय थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए आप लोग थोड़ा टाइम दें। ये देखिए हमारा बन चुका है। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा पराठा जो आप सबसे शेयर करना था। तो मैंने छोटी छोटी 2 लोइयाँ ली हैं और दोनों को बराबर बेल लिया है, एकदम रोटी की तरह, जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं ना। ये देखिए, ना मोटा ना पतला और एकदम रोटी की साइज़ का। दूसरी लोई भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। दोस्तों, इसके बिल्कुल मत करना, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तभी आप सबको पता चलेगा मैं आप सबसे क्या बताना चाहती हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ। हमारी जो रोटियाँ हैं वो बेल चुकी हैं, दोनों रोटियाँ बेल चुकी हैं अच्छे से। अभी ये पराठा मेरा सिक रहा है, तो इसको हम अच्छे से सेक लेंगे पहले, उसके बाद हम अपने दूसरे पराठे पर आएंगे। पराठे सेकते वक्त, जैसे मैंने पहले बताया है, थोड़ा वक्त दें और गैस को एकदम स्लो रखें। ये देखिए बहुत ही क्रंची सिक चुका है हमारा पराठा। चलिए अब चलते हैं रोटियों की तरफ। ये देखिए, अब हम इसे मसाले को अच्छे से फैला लेंगे एक रोटी पर चारों तरफ। आप जितना मसाला ले सकते हैं इसमें आप उतना भर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फटेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। तो आप जितना भी मसाला भरना चाहते हैं उतना मसाला लें,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और ये मैंने दूसरी रोटी उस पर फैला दी, अच्छे से चिपका देना है, और थोड़ा सा आटा ऊपर लगाना, थोड़ा सा नीचे, और हल्के हाथों से बेल लेना है। बेलते समय बेलन को ज़्यादा तेज़ नहीं गालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना परफेक्ट पराठा बना है, बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है दोस्तों। अब हम इसे भी वैसे ही सेंक लेंगे, सेंकने के का जो प्रोसेस है वही सेम है। तेल डालेंगे हल्के हाथों से इसे, और गैस को एकदम स्लो रखेंगे। गैस स्लो होगा तो जो पराठे हैं बहुत ही क्रंची बनते हैं, तो गैस स्लो होना चाहिए। और हम इसको अच्छे से सेक लेंगे दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो बताइएगा कैसा बना है, और आप सब ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी बन जाता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा सीख गया है। अब आपको दिखाएंगे हम कि पराठा अंदर से कैसे सिका है दोस्तों। बाहर से तो बहुत ही क्रंची आप सबने देखा ही है, अब बारी है अंदर से। ये देखिए कितना परफेक्ट आलू एकदम सिक चुका है, पराठा कहीं से कच्चा नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों पराठे बहुत ही टेस्टी बने थे। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।